हेलो फ्रेंड्स, हम सभी को शॉपिंग करना पसंद है, स्पेशली गर्ल्स को। पर कुछ लोगों के लिए शॉपिंग करना एक आदत सी बन जाती है। तो आज हम ऐसी ही आदत पर बनी एक मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कन्फेशन ऑफ अ शॉपाहोलिक। ये स्टोरी है रेबेका की, जिसे शॉपिंग करने की बहुत बुरी आदत है। वो शॉपिंग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी शॉपिंग की लत के कारण उस पे बहुत सारा कर्ज आ जाता है। बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए उसे लगातार कॉल करते रहते हैं। अपने डेब्ट्स को चुकाने के लिए वो एक कंपनी में फाइनेंस कॉलमनिस्ट की जॉब ज्वाइन कर लेती है। जॉब के दौरान भी रेबेका काफी झूठ बोलती है और जॉब से मिलने वाली सैलरी को भी वो शॉपिंग में लगा देती है। इन सब के बीच वो अपने बॉस ल्यूक को लाइक करने लगती है। पर जब रेबेका का सच सबके सामने आता है तो ल्यूक बहुत अपसेट हो जाता है और रेबेका से ब्रेकअप कर लेता है। दूसरी तरफ बैंक वाले भी रेबेका के पीछे पड़े रहते हैं। इन सब में किस तरह रेबेका अपने शॉपिंग और फाइनेंस को मैनेज करती है और कैसे वो ल्यूक और अपने फ्रेंड्स को मनाती है, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। मूवी शॉपिंग के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसमें हाई लेवल के ब्रांड्स बताए गए हैं। ये मूवी हर एज के लोगों को देखनी चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि शॉपिंग करना एक बीमारी हो सकती है और इसके साइड इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। इस मूवी में कुछ सेंसलेस चीजें भी दिखाई गई हैं, जैसे कि एक कॉकटेल पार्टी में टोटली ड्रंक होने के बाद भी रेबेका सेंस की बातें करती है। इस मूवी में कुछ बैड वर्ड्स यूज किए गए हैं, जिसके कारण आप ये मूवी बच्चों के साथ नहीं देख पाएंगे। बट ओवरऑल ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है और मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस मूवी के लिए है 6 out of 10। अगर आप ये मूवी देखते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। Hey guys, thank you so much for watching। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।